बात करें हम पाकिस्तान को कब्जा माफिया से पाक कराने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन का बड़े पैमाने पर आगाज कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में भी हमारी यही कोशिश है कि मुख्तलिफ शहरों का रुख किया जाए और जाना जाए कि वहां पर हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है। लाहौर शहर की बात करें या फिर कराची की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और नई नई खबरें जो है वो रोज सामने आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर जो मार्केट्स हैं वहां पर बड़ी बड़ी अहम शाहराहें हैं उनको इस नजायज तजावजात से पाक किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है इस सिलसिले में कि लोगों की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इस ऑपरेशन का तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। आज सबसे पहले आपको मुल्तान लिए चलते हैं, मुकर्रम खान हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इनके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी मुकर्रम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सबा, जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किए गए थे, काफ़ी जो ज़मीन है वो वाहगुजार भी करा ली गई हैं, लेकिन मसला ये है कि मुल्तान के अभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा इलाके हैं जहाँ पर अभी तक जो है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया। और इसमें जो सबसे अहम जो जगहें हैं वो हुसैना गाही का अंदरून शहर है जहाँ पर जो है शहरियों को बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, और दूसरी जगह जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और शुजाबाद रोड कहलवाता है, और अगर मेरे कैमरामैन भी दिखा सके कि इस वक्त मैं इस रोड के जो सर्विस रोड पर मौजूद हूँ और रोड के दोनों तरफ से जो है रेड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं और तजावजात की वजह से शहरियों को जो है बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप देख भी रहे होंगे कि इस वक्त भी शहरियों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रोड के दरमियान में बिल्कुल ठहर के जो रेड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, लोगों ने फट्टे बाहर निकाले हुए हैं जिसकी वजह से जो है रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से जो है शहरियों को जो है ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से कुछ शहरी भी मुल्तान की मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे तजावजात के हवाले से? यार ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा काम शुरू हो गया, ये वाला इसे खत्म होनी चाहिए, इसकी वजह से तंगी वगैरह होती है, तो बस आम रूटीन में परेशानी होती है आने जाने वालों के लिए, तो बेस्ट कदम गवर्नमेंट का था, लेकिन दोबारा ये काम शुरू हो गया। बिल्कुल, शहरी का ये कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करना हुकूमत वक्त का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा लायामल था, लेकिन तजावजात के बाद जो ऑपरेशन करने के अलावा ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने दोबारा से तजावजात करना शुरू कर दिया, और मुल्तान के बहुत ज्यादा ऐसे भी इलाके। बहुत शुक्रिया मुकर्रम, आप हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, नजायज तजावजात को हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बाज ऐसी जगह है जहाँ पर तजावजात हटा तो गई है लेकिन उसके बावजूद दोबारा से उनको कायम किया जा रहा है। इस सिलसिले को भी खत्म होना चाहिए। बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और डेली बेसिस पर इसकी रिपोर्ट भी पेश की जा रही है। खासतौर पर यहाँ पर अगर लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर की शालम मार्केट में जिला इंतजामिया ने तजावजात को खत्म करवा के सरकारी जमीन को वागुजार करा लिया है। ऑपरेशन में बड़ी बड़ी टीम्स की जानिब से हिस्सा लिया गया है। इसी सिलसिले में देख लेते हैं लाहौर से ये।